Hi friends, main hu Garima and welcome back to the channel The Body Nirvana, where together we are looking for some holistic and happy weight loss and just to have holistic health for the rest of our lives, not to yo-yo on different kinds of diet plans. तो आइए हम आज आपके साथ में अपना अगला होलिस्टिक हेल्थ का टिप शेयर करें. टिप नंबर 13 और ये टिप है हाउ टू हैंडल क्रेविंग्स. तो अब दिवाली भी आने वाली है, फेस्टिव सीज़न है और हो सकता है कि आपको अपने घर की बहुत याद आ रही हो और घर के साथ साथ माँ का या दादी माँ के हाथ का बना खाना याद आ रहा हो. तो जब किसी भी खाने को खाने की बहुत ज़बरदस्त इच्छा होती है, इसको हम क्रेविंग कहते हैं. सो अगर क्रेविंग हो तो इसमें नुकसान कभी कभी ये हो जाता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं. एंड यूजुअली हमारी जो क्रेविंग होती है वो उस टाइप की चीज़ों के लिए होती है जो चीज़ हमको थोड़ी मात्रा में खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं. लेकिन जब आपको बहुत ज़बरदस्त खाने की इच्छा हो रही है, यानी कि जब आप क्रेविंग की गिरफ्त में हैं, तो उस क्रेविंग के टाइम पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, भान नहीं रहता कि आप कितना खा रहे हैं और हम ओवर ईट कर लेते हैं ऐसी चीज़ों को. अब जैसे कि आप जान ही गए हैं कि अगर हमने ओवर ईट किया है तो बॉडी को उससे डील करना पड़ेगा एंड दैट इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बॉडी और बहुत सारी चीज़ें टॉक्सिक होकर के हमारे शरीर में अटक जाती हैं, बाहर नहीं जा पाती. तो अब क्या करें भाई, याद तो आ रही है ना अपने घर की, गांव की, उस प्यार की, उस बचपन की, साथ में इमरती जलेबी या श्रीखंड बासुंदी या खाखरा फाफड़ा या हो सकता है कि इडली और आपको कोई डोसा और चटनी याद आ रही हो, या फिर मेरी तरह छोले भटूरे समोसे कचौड़ी, ये सब कुछ क्रेविंग हो रही हो, या फिर क्रेविंग हो रही हो गुंजिया घर की बनी चकली की, दिवाली की दूसरी सब मिठाइयों की. अब इन क्रेविंग्स को क्या करना है? आपने कई जगह सुना होगा दबा दो, भूल जाओ, डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को. और क्रेविंग हो रही हो चाहे आपको माँ के हाथ के बने हुए आटे के हलवे की, लेकिन एक खीरा खा लो या गाजर खा लो. But you know it's not practical, that's not how it works. क्योंकि आपको satisfaction कभी होगी ही नहीं. आपका अगर मन पड़ गया पीछे किसी चीज़ के और उसको वो चाहिए और आप कह रहे हैं कि नहीं भैया ठंडा ठंडा गाजर खीरा खा लो, तो ये कैसे होगा? तो क्या फिर अगर क्रेविंग एक बार शुरू हो गई तो बस अब ख़त्म, हमारी रेलगाड़ी पटरी से उतर ही जाएगी एंड वी कांट हैव हेल्थ, क्योंकि हम ओवर ईट करने वाले हैं ऐसी चीज़ों को जो नहीं खानी चाहिए? ऐसा नहीं है. एक मिडिल पाथ भी है और वो ही है जो हमारे को सेव करता है ऐसे में. और मिडिल पाथ क्या है? आपको लगेगा मैं बिल्कुल उल्टी पट्टी पढ़ा रही हूँ, बट अगर आप मुझे ट्रस्ट करते हो, आपको लगता है कि मुझमें कुछ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा समझ है इस चीज़ को लेके, मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ाई करी है इसके बारे में कई सालों में, तो ये कहती हूँ मैं कि जब आपको क्रेविंग हो, और वो क्रेविंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, एक मैगी और पिज्ज़ा की भी हो सकती है और बूंदी के लड्डू की भी हो सकती है, तो आप उस क्रेविंग को अगर आप पूरा कर सकते हैं तो उसको बिल्कुल दबाइए मत. सबसे पहला जो एक्शन आपने लेना है इज अवेयरनेस, यानी कि आपको पूरी तरह से अवेयर हो जाना कि मुझे इस चीज़ की क्रेविंग हुई है. इसको माइंडलेसली बस उठे गए और अगर आइसक्रीम की क्रेविंग थी तो सीधे फ्रीज़र खोला और खा गए और पूरा डब्बा ख़त्म होने के बाद भी होश ही नहीं आया कि मुझे क्रेविंग थी और मैं खा चुकी, ये नहीं करना है. सो यू हैव टू हैव क्रेविंग विद माइंडफुल अवेयरनेस. तो पहले आप नोटिस करें कि बड़ी ज़बरदस्त क्रेविंग हो रही है इन सब चीज़ों की. सेकेंड, आप उसकी अगली लेयर पे जाइए, उसकी इमोशनल लेयर पे जाइए. सो आस्क योरसेल्फ एट एन इमोशनल लेवल, व्हाट आर माय क्रेविंग? मे बी आई एम क्रेविंग बचपन वाली दिवाली, या आई एम क्रेविंग नॉट हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई एम क्रेविंग हैविंग समबडी एल्स बाय गिफ्ट्स फॉर मी रादर देन मी बाइंग गिफ्ट्स फॉर अदर पीपल. तो वो कौन सा छोटा सा प्यारा सा नन्ही सी आशा है हमारे अंदर की जो हम क्रेव कर रहे हैं, उसकी ध्यान दीजिए और उसको, इस क्रेविंग को जब आप सोचते हैं तो उसको अपने घर के एक मेहमान की तरह उसका दर्जा दीजिए. सो उसको दरवाज़ा बंद करके भगाइए मत, उसको बिठाइए. अब मौसी जी आ ही गई हैं क्रेविंग की, तो पूछ ही लेते हैं मौसी क्या चाहिए था, किसी काम से आई थी क्या, आज ही जाओगी कि 3 दिन रुक के जाओगी, और सोफ़ा वोफा दीजिए, पानी वानी पिलाइए. सो यू हैंडल योर क्रेविंग विद अ लिटल बिट ऑफ अपनापन, विद अ लिटल बिट ऑफ अफेक्शन
एंड अंडरस्टैंडिंग. और अब आप उसको ये समझिए कि ठीक है, अब मैं समझ गई कि मुझे ये खाना है और ये खाना इसलिए क्योंकि मुझे ये फीलिंग चाहिए दोबारा से. तो अब क्या करें, उसको खाइए भाई, अपने आप को इतना तरसाइए मत. सैक्रिफाइस करके तो कभी भी वेट लॉस नहीं मिलता ज़िंदगी के अंदर, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म वेट लॉस नहीं मिलता. शॉर्ट टर्म के लिए आपको एक ड्रेस में फिट होना है तो वो आप कर लोगे, लेकिन उसके बाद का रिबाउंड बड़ा बुरा होता है, इसलिए प्रेफरेबली डोंट डू इट. सो वॉट यू नीड टू डू इज़ देन सपोज अज्यूम इट्स अ बेसन के लड्डू की क्रेविंग. बेसन का लड्डू लाइए, एक सुंदर सी कटोरी के अंदर दो लड्डू रखिए, तीन लड्डू रखिए, फिर अपनी एक पसंदीदा जगह पर बैठ जाइए और वो जो फीलिंग आप याद करने की कोशिश कर रहे थे ना इस क्रेविंग के थ्रू, उस फीलिंग को जी लीजिए. यू नो, लिव इट अप एंड जस्ट एन्जॉय योर लड्डू. जस्ट टेस्ट इट, स्मेल इट एंड जस्ट सेवर इट इन योर माउथ. इस तरह से खाइए उसको कि जब तक आपने वो ख़त्म करा अपना प्लेट का ना, मज़ा आ गया. यू आर इन अ वंडरफुल प्लेस. जितना भी दिमाग में स्ट्रेस था, मच थी, वो सारी रिलीज हो गई है इसको खाने से और बिल्कुल वो बचपन जैसा इनोसेंस और जॉय वापस आ चुका है ज़िंदगी में, मज़ा आ चुका है. जब आपने इस तरह से अपनी क्रेविंग को हैंडल किया कि वो जो भी फीलिंग्स लाने के लिए आई थी आपने वो सारी फीलिंग्स अपना ली, दैट इज़ व्हेन यू विल बी कम्प्लीटली सैटिस्फाइड. और इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है. एक्चुअली इसको कई बार वेस्ट के अंदर इमोशनल ईटिंग कहते हैं. इमोशनल ईटिंग इज़ अ वेरी वेल नोन फिनोमिनन कि जहाँ पर कि हम कुछ ऐसे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं जो हमसे हैंडल नहीं हो रहे होते हैं और हम जब खाना खाते हैं ना तो उनको हम एक रिलीज़ दे देते हैं. हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हम एक बहुत बेहतर मूड में आ जाते हैं, क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो जाती है, हम जहाँ स्टक होते हैं जो प्रॉब्लम्स के अंदर हमको उसके सॉल्यूशंस मिलने लग जाते हैं. और ये सब कुछ कैसे, तीन बेसन के लड्डू खा के. वर्थ है यार, वी कैन डू दिस. सो इफ़ यू आर हैविंग अ क्रेविंग देन द करेक्ट वे इज़ टेक व्हाट यू आर क्रेविंग, अंडरस्टैंड योर इमोशन बिहाइंड इट एंड देन सिट डाउन विद इट एंड रियली रिलिश इट. ताकि वो क्रेविंग ना, जैसे आपकी वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थी जब आपका कॉलेज में ब्रेकअप हुआ था तो आपको आइसक्रीम खिलाने लेके गई थी और फिर आपको आप हंस पाए थे सारे एपिसोड पे, तो उसकी तरह बन जाएगी क्रेविंग आपके लिए. सारा स्ट्रेस घुल जाएगा आपका और फिर से बिल्कुल बचपन वाली एकदम खुशी वापस आ जाएगी. सो जस्ट हैंडल योर क्रेविंग्स इन दिस वे. दिस इज़ माई टिप फॉर यू, टिप नंबर 13. आई होप यू लाइक इट, आई होप यू विल ट्राई इट. And wish you lots of happiness and lots of health always. Bye. See you later.